राज्य के सचिव माइक पोम्पियो ने मंगलवार को कहा कि यूएस राज्य सचिव कीथ क्रैच, जिनकी ताइपे की यात्रा ने चीन को नाराज किया था, इस महीने ताइवान के साथ आर्थिक वार्ता का नेतृत्व करेंगे। पोम्पियो ने एक समाचार सम्मेलन में कहा कि क्रैच 20 नवंबर को ताइवान के साथ आर्थिक समृद्धि भागीदारी वार्ता का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि वार्ता में सुरक्षित और सकुशल आपूर्ति श्रृंखला और 5G सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल होगा। पोम्पियो ने कहा, ताइवान के साथ बातचीत जो एक जीवंत लोकतंत्र और एक विश्वसनीय भागीदार है, यह दर्शाता है कि ताइवान के साथ हमारे आर्थिक संबंध मजबूत हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं। वाशिंगटन में ताइवान के प्रतिनिधि कार्यालय ने कहा कि आर्थिक मामलों के उपमंत्री चेन चेरन चेई वार्ता के लिए ताइवान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, जो कि व्यक्ति और वस्तुता दोनों में आयोजित किया जाएगा। ताइवान को अमेरिकी समर्थन ने चीन को नाराज कर दिया है, जिसमें अगस्त में स्वास्थ्य सचिव एलेक्स अजार और सितंबर में आर्थिक मामलों के सचिव क्रैच की हाल ही के यात्राएं भी शामिल हैं। द्वीप के साथ एक नए द्विपक्षीय आर्थिक वार्ता के प्रमुख के रूप में नामित होने के बाद 4 दशकों में ताइवान का दौरा करने वाले क्रैच सबसे वरिष्ठ राज्य विभाग के अधिकारी थे। अधिकांश देशों की तरह संयुक्त राज्य अमेरिका का ताइवान के साथ कोई आधिकारिक संबंध नहीं है, जो चीन संप्रभु क्षेत्र के रूप में दावा करता है, लेकिन वाशिंगटन को अमेरिकी कानून की मदद से खुद को बचाने के साधन ताइपे को प्रदान करना आवश्यक है। हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद।